Lord Madam, Pastor Evangelist Missionary, Believers, Women, Youth, और ये चर्च बनाने के लिए जमीन देने वाला फैमिली सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन बहुत खुशी और आनंद का दिन है, इसीलिए हम लोग बहुत खुशी से रहना चाहिए इसमें, क्योंकि आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आज से ये जगह में, ये जो चर्च में हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना प्रशंसा महिमा आदर करेंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद का दिन है। चर्च बोलने से कलसिया को बोलता है, चर्च यानी मंडली को, और मंडली को या कलसिया को बोलने से आदमी को बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च बोलने से हम लोग है, आप और हम, प्रभु का जो मंदिर हम लोग है, वचन में है। इसीलिए हम लोग खुशी और आनंद से प्रभु को आज धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इसमें बोलने से 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही हिस्सा है। हर बात में हम लोग धन्यवाद देना पड़ेगा, किसको? पिता परमेश्वर को, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की वही हिस्सा है, और परमेश्वर का हिस्सा को ही हम लोग हमेशा सोचना चाहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए हम लोग आज धन्यवाद देना है, क्योंकि कितना दिन से ये चर्च बनाने के लिए मेहनत किया है ना, तो आज प्रभु ने हम लोगों को डेडिकेशन करने के लिए, उत्सर्गित करने के लिए एक मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए प्रभु को आज धन्यवाद देना ही पड़ेगा हम लोग मिल के ना। तो आज वचन नहीं बोलने का पहले थोड़ा प्रार्थना करेगा, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु का इच्छा से जो कुछ वचन बोलेगा ना, उसका अनुग्रह, उसका एनोइंटिंग, उसका जो शक्ति से बोलने का लिए, हमको एनोइंट करने का लिए, अभिषेक करने का लिए, आप लोग सब मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए हम थोड़ा, और मेरे लिए आप लोग प्रे कर दीजिए। कितना आशा, कितना मजा, कितना खुशी का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आज का दिन में हम लोग ये चर्च को डेडिकेशन करने के लिए एक सुंदर अवसर मिला है प्रभु का ओर से, इसीलिए हम लोग हमेशा प्रभु को यहाँ में आकर ना स्तुति प्रशंसा आदर महिमा देके उसको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन में देखने से बोलता है कि हम लोग एक वचन देखता हूँ, मार्क 7:17 में देखने से मिलता है, इसमें बोला है, असम इसमें ऐसा लिखा है, ते उपदेश दी ते उनको कोले एनदरे लिखा मायने जे मूल खड़ो सकुल जातिर बाबे प्रार्थना भर बोला जाबो, কিন্তু তোমালোকে তাক ডকাইতর গুহা করে লাগিছে। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। ইসমে লিখা হে অর উপদেশ করকে উনসে কহা, কিয়া ওহি নহি লিখা হে কি মেরা ঘর সব জাতিও কে লিয়ে প্রার্থনা কা ঘর কহলায়েগা। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। সব জাতিও কা লিয়ে, জিতনা নেশন, জিতনা জাতি ভাষা কা লোক হে, सब का लिए मेरा घर के ही एक प्रार्थना ना, प्रार्थना का घर। चर्च, चर्च को किस लिए जरूरी है, इसमें हम लोग आके प्रभु को धन्यवाद देके
हम लोग का जो समस्या है ना, प्रॉब्लम है, हम लोग का जो जरूरत है उसको भूलने के लिए, प्रे करने के लिए ही ये जगह, ये घर का जरूरी है बोला है। प्रेस लव। और ये सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है बोला है, जैसे कि आप लोग मिसी है, मैं मिसी हूँ, या आदिवासी है, या नेपाली, बोरू, असमी, जितना कुछ है, आदि, अपातानी, ना, जितना जाति है, हर जाति का लिए ही यही घर है बोला है। प्रेस लव। इसमें आके हम लोग हर जाति का आदमी लोग आके इसमें हम लोग प्रभु को प्रार्थना कर। 7:48-49 को थोड़ा रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान देके सुनिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ना, क्योंकि 12 बज गया ना। प्रेस लव। हालेलुया। भूख भी लगाया होगा शायद आप लोग का, तो तब भी ना हम लोग तो हमेशा खाता हूँ, प्रभु का वचन हमेशा नहीं मिलता है कि नहीं। प्रेस लव। भूख को आज छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम कर लिए ना, बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन हम लोग का जीवन में बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा है पसोनी कर्म 1:48 में ऐसा लिखा है, किंतु सर्বোপরি জনার হাতেরে পচা ইহভূত না থাকে, এই বিষয়ে ভাববাদী কৈছে, পরন্তু পরম প্রধান হাত কি বনাই ঘরো মে নহি রহতা, জেসা কি ভবিষ্যৎ বক্তা নে কহা। প্রেস লর্ড। হালেলুয়া। হালেলুয়া। ঈশ্বরে মানুহে বনুয়া এনেকা ঘর বিল্ডিং তে না থাকো কই আছে। প্রেস লর্ড। आदमी इसमें लिखा है ना, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता है। प्रेस लव। हम लोग जो परिश्रम करके हाथ से ये बनाया ना, गिट्टी बालू लेके, गिट्टी लेके, ईटा लेके, सीमेंट लेके, हम लोग मेहनत करके बनाया ना, बनाया कि नहीं। प्रेस लव। तो ये घर में हम नहीं रहता हम बोला है। प्रेस लव। हालेलुया। जैसे कि भविष्य वक्ता ने कहा, तो 49 में ऐसा लिखा है, प्रभुए कैसे स्वर्ग मूर हिंगा कौन और पृथ्वी मूर भोली प्रिया, मूर कारण तुम कने गृह निर्माण करा, नाइबा मूर जिरणी हुआ ठाये बा कत कैसे। प्रेस लव। हालेलुया। मूर कारण कने का बिल्डिंग बनाए दी, घर बनाए दी ना, मैं जिरा बोले एने का जगह ना है पृथ्वी कैसे ना। प्रेस लव। इसमें लिखा है, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पांव तले की चुकी है। प्रेस लव। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे। प्रेस लव। प्रभु तो स्वर्ग थके कैसे ना, तथा सिंहासन असे ना, तो धरती पृथ्वी की कोरे कैसे, तो पाव रखे कोई असे। प्रेस लव। स्वर्ग बहे कोई असे और भोरी पृथ्वी रखे कैसे ना, जैसे कि अभी हम लोग का चार बेद रहा है, तो स्वर्ग में बेद रहा है ये धरती ये ना, तो इसमें पाव रखता है बोलता है। प्रेस लव। हालेलुया। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, मेरे लिए ना, प्रभु कहता है तू मेरा लिए कैसा घर बनाएगा ना, और मेरी विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रेस लव। हालेलुया। मैं यहाँ में कहाँ में विश्राम करूँ ना, कौन सा स्थान होगा, इसीलिए मैं मनुष्य का हाथों से बनाने वाला घर में नहीं रहता हूँ बोला है। प्रेस लव। हालेलुया। कहाँ में रहता है, हम में और तुम में ना। प्रेस लव। हालेलुया। आप में और हम में ही रहता है, क्योंकि वो लिखा है कि हम खुद बनाने वाला ना घर में ही रहता हूँ, प्रभु ने हम लोगों को बनाया, बनाया कि नहीं, आदम को बनाया था ना। प्रेस लव। उसका हाथों से मिट्टी लेके हाथों से बनाया था ना, उसका जैसा। प्रेस लव। हालेलुया। तो प्रभु बोले हम जिस हाथों से बनाया है घर ना, उसमें ही हम रहता हूँ, प्रभु हम लोगों को बनाया, तो प्रभु कहाँ रहता है, आपका और हमारा बीच में रहता है, हमारा अंदर में रहता है। प्रेस लव। हालेलुया। इसीलिए आप लोग और हम लोग सोचना सही है ना, हम लोग हमेशा प्रभु का एक टेम्पल है,
ये मुख से हम लोग प्रभु को हमेशा प्रस्ताव कहता हूँ, एक दूसरा को प्रार्थना कर देता हूँ ना, ब्लेसिंग प्रे कर देता हूँ या बीमारी प्रे कर देता हूँ। ये मुख से अगर खराब बात बोलेगा तो ना, खराब काम करेगा तो ये हाथ से कभी भी प्रभु मेरा साथ नहीं रहेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम लोग ये दुनिया में खराब काम नहीं करना चाहिए, हमेशा भलाई करिए ना, भलाई काम करने के लिए हमेशा कोशिश करिए। क्योंकि इसमें हम लोग देखने से मिलता है, एक बचपन रीत करता हूँ, सबसे अच्छा क्या है बोलने से ना, कहाँ में सबसे अच्छा होता है हम लोग का। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में आप जितना भी घूमो, जहां में भी जाओ, जो भी करो ना, जितना भी जो करो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस क्या है बोलने से, हम लोग प्रभु का जो घर ना, जो टेम्पल है, चर्च है, उसमें अगर हम लोग थोड़ा टाइम भी रहेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत आशीष मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ा आशीष मिलता है। बसंत में देखता हूँ शाम से तर शाम में है गीतमाला 84 बस 10 में देखेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, ये बात अब रख लीजिए इसको ना, नोट करके रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें लिखा है क्या लिखा है, असम इसमें ऐसा लिखा है, क्यों आंथे हजार दिन कुतुआत कोई तुम्हार सुताल के इखनो एदिन थकाय अधिक उत्तम है, दुष्टतार तम्बुत बाग कोड़ात कोई बरम म ईश्वर गृहर दुवरी होय थकाय अधिक उत्तम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्स, जब पढ़ता हूँ ना मेरा दिल में बहुत सुकून मिलता है, मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छा लगता है ये जो वर्स ना। इसमें लिखा है हिंदी में ऐसा है, क्योंकि तेरी आंगनों में एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं में हम लोग हजार दिन बिताने से भी ना, अगर हम लोग प्रभु का घर में एक दिन बैठने से ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हजार दिन जो ना एक दिन का बराबर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम लोग सिक्स डे में ना, सिक्स डे प्रभु ने सिक्स डे में हम लोग को काम करने के लिए एक मौका दिया है ना, सुविधा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक दिन किस लिए दिया है, विश्वमवार जो देवर ना चांदे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए दिया है वो दे में आके हमेशा हम लोग प्रभु को क्यों स्तुति करता हूँ। ये वचन देखने से इतना हाथ तरसी वचन है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हजार दिन आप उधर 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 घूमो फिरो या कुछ करो, बिजनेस करो या जो भी करो, खेती करो जो भी करो करो ना, लेकिन एक दिन अगर आप प्रभु का घर में आके बैठने से ना, वो हजार दिन का बराबर होता है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तेरे अंगनों में एक दिन और कहीं की हजार दिन से उत्तम है, दुष्टों की देरों में बास करने से अपने परमेश्वर की भवन की द्वारों पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्टों का घर में दुष्ट आदमी का साथ ना, বেয়া মানুহৰ লগতে হম কৰি লগৰীয়া কৰি কিনি না, বেয়া কাম কৰি থকাতকে না, মইতো প্ৰভুৰ ঘৰত আহি কিনি একদিন বহিলে হাজাৰ দিনৰ নিচিনা মই আশীৰ্বাদ পাই যাওঁ কৈছে। প্ৰেজ দ লৰ্ড, হালেলুয়া। এইটো মোৰ কাৰণে বেছি উত্তম হৈ গৈছে। আমি চাৰ্চত আহি কিনি চকীদাৰ না, আপুনি চাৰ্চ আহি কিনি এটা ঝাৰু লৈ কিনি যদি আপুনি চফা কৰি আছে না, আপুনি চাৰ্চ চফা কৰিছে ইয়াক কোচ কৰিছে না, আপুনি যিমান য'ত যিমান যি কাম কৰিলে না, আপুনি চাৰ্জত আহি যদি এটা সৰু কাম কৰি দিছে না, আপুনি বহুত ডাঙৰ কাম এৱাৰ্ড পাবলৈ আছে। প্ৰেজ দ লৰ্ড, হালেলুয়া। ইছিলিয়ে হাম লোক হামেশা না জলদি আকৰ চাৰ্জ কো চফা চাফ কৰনা চাহিয়ে না, উসমে হাম লোক কাম কৰনা চাহিয়ে। প্ৰেজ দ লৰ্ড, কি জো আদমি ব্লেসিং লেনা জানতা হে ও হামেশা চাৰ্জ মে আকে কাম কৰতা হে,
चर्च को सफाई करता है, चर्च में आके ईश्वर को प्रार्थना करता है ना, एक दूसरा के लिए प्रार्थना कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर हम उधर उधर भाग के जाके कुछ करने से भी ना, अगर हम चर्च में चौकीदार बन के रहने से भी मेरा लिए बहुत अच्छा है, बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कीमती होता है ना, इसीलिए आप लोग चर्च हमेशा आइए ना, चर्च आना चाहिए। लेकिन चर्च में आप लोग एक बात आप सुन के जाइए और मन में रख के पालन करिएगा ना, आप लोग कभी चर्च में खाली हाथ में मत आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का लिए कुछ ना कुछ ना, प्रभु का लिए कुछ ना कुछ लेके आइए। उसको उसको तो जरूरी नहीं है ना, वही मालिक है, तभी भी हम लोग देखिए उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप और हम हमेशा क्या करना है, प्रभु का भवन में जब आता हूं ना, पूरा होली होके प्रार्थना का साथ कुछ प्रभु को थैंक्स गिविंग थैंक्स टाइप लेके हमेशा लेके आना चाहिए, उपहार उपहार लेके उसको देना चाहिए हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है ना, इसमें देखता हूं 3:10 আয়ৰ দশম ভাগ মোৰ গৃহত আহাৰ হ'বৰ কাৰণে ভঁৰাললৈ আনা, মই তোমালোকলৈ আকাশৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিম নে নকৰিম, আৰু ঠায়ে নধৰাকৈ তোমালোকলৈ আশীৰ্বাদ বৰ্ষাম নে নবৰ্ষাম, তাক জানিবলৈ তোমালোকে ইয়াৰে মোক পৰীক্ষা কৰি চোৱা, বাহিনীবিলাকৰ জীৱা এই কথা কৈছে কৈছে। প্ৰেজ্ব চাৰ্জ খালী হাত নাই আনা চাই, क्योंकि सिक्स डे हम लोग को प्रभु ने मौका दिया है काम करने के लिए, कमाने के लिए ना, कुछ कुछ करने के लिए, खेती करने के लिए, या कुछ हम लोग पालने के लिए ना, जानवर पालने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, सब कुछ हम लोग को दिया है। वो जो हम काम करके जो देना चाहिए उसको ना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परसेंटेज से उसको हमेशा उसका घर में लेके आने के लिए बोला है इसने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कभी आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप ऐसा करेगा ना, तब आप बहुत ब्लेस्ड वाला आदमी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप एक दूसरा को दे के खाने वाला आदमी होगा। जब आप ये काम नहीं करेगा ना, आप दूसरा से हाथ फैलाना पड़ेगा, हमको 500 रुपया दीजिए उधार, हमको 1000 रुपया दीजिए उधार, क्योंकि हम लोग का प्रभु को आदर नहीं करने का वजह से ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हम लोग को कमाने के लिए एक ज्ञान दिया है ना, टैलेंट दिया है कि नहीं। प्रभु ने अगर हम लोग को नहीं देने से थोड़ी ना हम लोग कमा सकेगा, सीखेगा क्या, नहीं सीखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए हमेशा जो उसको देना चाहिए उसका भवन में आके हम प्रे करके हम लोग लेके आना चाहिए और प्रभु का नाम से इसमें देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी भवन में आप लोग खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। दे प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें हिंदी में ऐसा लिखा है, सारे दशम दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरी भवन में भजन वस्तु रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे दशम भास दशमा भंडार में ले आओ बोला है, मतलब प्रभु का भवन में ले आओ बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको हम लोग मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब मिसयूज करेगा तब हम लोग धन मिलेगा, धन द प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग का जीवन में कभी कभी तकलीफ आता है ना, पैसा बेकार में चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु प्रभु को देने वाला को भी हम लोग यूज कर देता है, तो प्रभु का है उसको प्रभु को ही देना चाहिए। जो राजा को देना है वो राजा को देना चाहिए बोला है वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर को देने वाला को ईश्वर को ही दो, किंग को देने वाला को किंग को दो बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इसमें बोला है मेरा भवन में मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा वो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं हम लोग जब देगा ना, तो बोला हम आशा आकाश से ना
स्वर्ग से आकाश से हम आप लोगों को ब्लेसिंग करेगा भैया, आशीर्वाद करेगा भैया। हालेलुया। तब आदमी देखेगा, अरे ये आदमी तो बहुत गरीब था, अभी तो चेंज हो गया ना, परिवर्तन हो गया। आदमी तो सरप्राइज हो जाता है कभी कभी ना। प्रेस द लॉर्ड। इंग्लैंड में तो उसका पास एक कार भी नहीं था, अभी कार से घूमता है। एक बिल्डिंग नहीं था, अभी आरसीसी बिल्डिंग बना लिया ना। उसका पास कोई काम धंधा नहीं था, अभी तो पूरा कंधे करता है। प्रेस द लॉर्ड। उसका घर में नगरी नहीं था, अभी तो सब नगरी वाला हो गया। प्रेस द लॉर्ड। सरप्राइज हो जाएगा बोला है आदमी लोग ना, जब हम लोग देने के लिए शुरू करेगा। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए आप लोग ये भूल कभी भी नहीं करना चाहिए ना। जितना यहाँ का बिलीवर्स लोग है शांति से इसमें वर्शिप करने के लिए आएगा तो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए लेके आएगा ना। प्रेस द लॉर्ड। हम आशा और विश्वास रखता हूँ आप लोग जरूर लेके आएगा। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम ये जो कलसिया का लीडर्स है ना, डिकोन है, पास्टर है, उन लोगों का लिए एक वचन रीड कर देता हूँ। लास्ट वचन, हाँ बहुत है इसमें, हगाई में है, इसमें बोलने से वन किंग में है, चाम में है ना, डिटर्नमी में है, बहुत है, अभी टाइम नहीं है। प्रेस द लॉर्ड। ज्यादा बोलने से भी आदमी का दिमाग में नहीं घुसता है ना, थोड़ा बोलने से अच्छा से रखता है। प्रेस द लॉर्ड। तो हम लोग एक बात एक वचन रीड करता हूँ, मिथियो 16 वर्स 18 एंड 19, पहले में भी रीड किया था। तो इसमें लिखा है, मयो तुमा कौन से तुम्हें पितर हिलर ऊपर मैं मोर मंडल स्थापन कर मृत्यु कोनो शक्ति तुमक पराजय करিব নোৱাৰিব কৈছে। প্ৰেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। ময়ো তোমাক কওঁ যে কৈছে না, তুমি পিতৰ আৰু হিল, ময়ো তোমাক কওঁ তুমি পিতৰ, মানে পিতৰ কো বল ৰহা নাই হে। ইসমে দেখি নেছে অর মে ভি তুসে কহতা হু কি পতরস, কি তু পতরস হে, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिसिया बनाऊंगा और अधलुक के पातक उस पर प्रबलना होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें अच्छा से लिखा है ना, हे पितर मैं तुम्हें कौन कैसे, पितर को भूल रहा है प्रभु, प्रभु ईश्वर ने भूल रहा है ना, हे पितर अर्थात हिल, एक स्टोन का बारे में बोला है ना, पत्थर का बारे में बोला है, तो ये हिलर ऊपर मैं मोर मंडली स्थापन करी ना। पत्थर का जैसा जो आदमी विश्वास करता है ना, अच्छा से विश्वास रखता है, प्रभु का लिए काम करने वाला, प्रभु का लिए सुसने वाला, प्रभु का लिए जाने वाला आदमी चाहिए बोला है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सही आज सांस बना दिया, काल से गिरजा नहीं आएगा, ऐसे करने से सांस बना के क्या फायदा होगा ना। इसीलिए हम लोग का विश्वास जो पत्थर का जैसा होना पड़ेगा बोला है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि पीतर का था, इसीलिए पीतर को बोला है यीशु मसीह ने, हे पीतर बोला है ना, हिल पत्थर निशिना ना, तुम्हार मन तुम्हार विश्वास असे, ये तो कहने मौय मूर मंडली ना, हमारा ये मेरा जो कलेसिया को ना, मौय हिलोर प्रोते मैं स्थापन करूं कैसे, जो विश्वास करने वाला अच्छा से विश्वास रखने वाला आदमी का साथ ही हम काम करेगा और कलीसिया उसका उसका ओर से हम चलाएगा बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मृत्यु कोनो शक्ति या पराजय करিব নোৱাৰিব, माने कोई भी ये चर्च में जितना लोग आता है ना, इसमें से कोई भी आदमी अधलोक मींस नरक में नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग फेट हो गए, विश्वास हो गए, जब आगे बढ़ेगा तब ये कलेसिया का जितना लोग है इस ये मंदिर में जितना मेंबर्स होगा ना, ये कभी भी नरक नहीं जाएगा बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहां जाएगा, ऊपर स्वर्ग में ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसीलिए 19 में बोला है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज और सभी मिला दिन को ऐसे। प्रेज द लॉर्ड। उठो दी सभी देगा बोला है। প্রেজ দ্য লর্ড। তাতে তুমি এই পৃথিবী জিহকে বান্ধিবা, এই স্বর্গটো বান্ধি রখা হব, আর তুমি পৃথিবী জিহকে মুকলি করিবা,
সেয়ে স্বৰ্গত মুকলি হবলৈ দিয়া হব কৈছে। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजिया दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कुंजिया में चाबी ना, चाबी तला। वो जो अथॉरिटी हम आपको देगा, बोला किसको देगा? जिसका पास विश्वास है, जो प्रभु के लिए आगे बढ़ता है, प्रभु के लिए सोचता है, प्रभु के लिए करता है, उसको ही देगा, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जो अथॉरिटी, वो जो पावर प्रभु ने आप और हमको देगा, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग ये पृथ्वी में कुछ हम लोग लव कर देने से वो स्वर्ग में भी लव हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग इसमें खुलेगा तो स्वर्ग में भी खुलेगा। आज हम प्रभु का नाम लेके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेके ये दरवाजा घर, ये जो डेडिकेशन किया है चर्च को, प्रेज द लॉर्ड। ये जो दरवाजा खुल गया ना, तो कहां में खुल गया? ऊपर में, स्वर्ग में खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज से इसमें जितना आदमी लोग आके प्रे करेगा, वर्शिप करेगा, समय से का बात बोलेगा, सब प्रभु सुन के हम लोग को एंसर देगा, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम लोग हमेशा शांति में रहना चाहिए, खुशी और आनंद में रहना चाहिए ना, हम लोग प्रेम में रहना चाहिए, एक दूसरे को इंकरेज करना चाहिए ना, कभी भी एक दूसरे को हम लोग खराब से नहीं बोलना चाहिए, प्रेम से प्यार से हम लोग हाय हाय होके हम लोग जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जिंदगी दो पल का है ना, दो दिन का है, अभी है कल चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अच्छा काम करने से आपका छू याद हमेशा रह जाएगा, प्रभु का लिए एक बार ताली बजा देगा हम लोग, तो होगा ना। ज्यादा बोलने से ये भेजा में नहीं रहता है ना, क्योंकि हम लोग का मेमोरी इतना नहीं है ना, 1-2 GB का होगा शायद। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा तो वही है, हमारा तो 1-2 GB का है, क्योंकि पहले मैं दारू पीने वाला आदमी था ना, अभी प्रभु को मिल के थोड़ा तो आया है मेमोरी ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप लोग हमेशा खुश रहो ना, प्रभु को हमेशा प्रशंसा महिमा जय जयकार करते रहिए ना। आप लोगों को मैं जितना ये स्थानीय जितना हम लोग का है बिलीवर्स लोग है ना, लीडर लोग है, आप लोगों को शुक्रिया अदा है मेरा ओर से। प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशन है ना, शुभेच्छा जनाइछु। प्रेज द लॉर्ड। आज से आप लोग यहाँ में आके अच्छा से स्तुति प्रशंसा आराधना की करिए, प्रभु ने जरूर आप लोगों को आशीष करेगा। आज का वचन यहाँ में रखता हूँ और चेयरमैन को दंड देता हूँ।